दोस्तों नमस्कार, जय महाकाल। आज फिर से रविवार के दिन मार्केट बंद है और 8 मई को मैं फिर से एक छोटा सा वीडियो अपलोड करने का प्रयास कर रहा हूं और साथ में आपसे सिर्फ दो बातें आज करने आया हूं। इस वीडियो में, वीडियो के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई चार्ट एनालिसिस, कोई लेवल्स या किसी प्रकार की कोई कॉल, इस तरीके की कोई बात नहीं है मित्रों। लेकिन बहुत जरूरी बात है जो कि आप और हमारे सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज वीडियो को, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुने, बहुत छोटा वीडियो है, और चैनल को प्रभाव से सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट्स करें, आपको और क्या वीडियोस में चाहिए वो मुझे बताएं ताकि मैं उन सब चीजों पे पहुंच सकूं और वीडियो बना सकूं, उसके लिए स्टडी कर सकूं। तो दोस्तों वीडियो क्या है? वीडियो इस बात पे है कि कुछ लोगों ने कहा मेरे से कि सर बहुत जरूरत है इस वीडियो की, आप प्लीज वीडियो देखिए, वीडियो बनाइए, वीडियो का हमें बहुत मदद मिलेगी, वीडियो से बहुत सहायता होगी। हो सकता है जो बात हम कह रहे हैं वो सभी लोग चाह रहे हों। तो सभी का ये कहना है कि आगे की दिशा क्या होगी, कैसे मार्केट आगे की दिशा पकड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले, करीब करीब ये बात है जनवरी की, और जनवरी में मैंने अपने कुछ वर्कशॉप पार्टिसिपेंट के साथ में एक जूम मीटिंग करी थी और उस जूम मीटिंग में मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि मार्केट की अभी एक सेकेंड वेव आएगी, जिस वेव के अंदर, यानी कि उस सेकंड वेव के अंदर मार्केट अच्छा खासा करेक्ट होगा। तो ये, और मुझे ये भी अंदेशा था क्योंकि उस वक्त भी मार्केट करेक्टिव मोड में चल रहा था, तो मैं ये भी कह रहा था अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ कि कहीं यही वाली करेक्शन सेकंड वेव में तब्दील ना हो जाए। तो दोस्तों ऐसा ही हुआ, ये अब हमारी एक सेकंड वेव ऑफ दी बुल मार्केट चल रही है। ध्यान से सुनिएगा, बुल मार्केट की सेकंड वेव, जिसके अंदर करेक्शन आनी होती है। तो यानी कि जो बात है, ये बात दुरुस्त हो गई कि मार्केट अभी बुल फेज में है, उसका करेक्शन चल रहा है और बहुत जल्द ही अगले 2 से 3 महीने में, क्योंकि यह बात अक्टूबर से चल रही है, जबकि यह मैं जनवरी में अंदेशा कर रहा था, पर जनवरी में अगर ये चीज खत्म हो जाती तो वो एक हॉल्ट था फर्स्ट वेव का। अक्सर देखा गया है कि फर्स्ट वेव में एक हॉल्ट आया है, लेकिन यह भी देखा गया है कि विदाउट हॉल्ट भी सेकंड वेव आई है। 90% फर्स्ट बुल फेज 72 वीक्स का रहा है, लेकिन ये वाला बुल फेज 64 वीक्स में ही, 64 वीक में ही स्टॉप हो गया और यहां से सेकंड वेव का एक परिदृश्य चालू हो गया, जिसके एवज में मैंने 27 फरवरी को एक वीडियो निकाला, एक वीडियो से समझाने की कोशिश करी, लेकिन बहुत दुख हुआ, मुश्किल से 500-600 लोगों ने उस वीडियो को देखा, वो भी बार बार बताने पर, मतलब कि लोगों को मजबूर कर दिया कि ये वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट उसी ढंग से चल रहा है
जिस ढंग से उस वीडियो में मैंने बताया। 27 फरवरी की वीडियो है, मार्केट का परिदृश्य 2022 के लिए, तो वही वीडियो के हिसाब से मार्केट चल रही है, यानी कि वो सेकंड वेव को फॉलो कर रहा है। और सेकंड वेव जहां तक है, अक्टूबर आते आते सेकंड वेव का समापन होगा। सेकंड वेव के बाद में जो तेजी होगी दोस्तों, वो आपने उम्मीद नहीं करी होगी, यूफोरिया से भी ऊपर होगी। ये जो चल रहा था फर्स्ट वेव के एंड में आते आते आपने देखा यूफोरिया आ गया था। आप लोगों को समझाते थे, अच्छे अच्छे रिसर्च एनालिस्ट लोगों को समझाते थे, अच्छे अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट एक्सपर्ट लोगों को समझाते थे कि भाई आगे तेजी मत करो, प्रॉफिट बुकिंग करो, कहीं ना कहीं जहां प्रॉफिट मिल रहा है प्रॉफिट बुक करो। लेकिन लोग आपको उल्टा टिप्स दे देते थे, अरे भाई किस चक्कर में पड़ रहे हो, छोटे छोटे बच्चे जिन्हें दो दो साल चार चार साल हुए मार्केट में, वो आपको समझा रहे थे अशोक लीलैंड ले लो 500 रुपए का रेट हो जाएगा, IEX ले लो, MRF, नेस्ले, डाबर, न जाने क्या 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 है, पता नहीं इतने एक्सपर्ट हो गए। सभी लोग एक्सपर्ट थे और अब सभी लोग मंदी की तरफ, 13,000 चला जाएगा, 12,000 चला जाएगा, 14,000 चला जाएगा, ये नहीं पता है लोगों को कि ये सेकंड वेव का फेज है। और ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि पिछले 12 से 16 महीने तक, जो लास्ट 12 से 16 महीने गए हैं, इनमें रेंज बाउंड रहा है निफ्टी, 16,000 या 15,700 से नीचे नहीं गया है, ऊपर 18,300 से ऊपर नहीं गया है। तो ये जो दायरा है, ये दायरा बरकरार रहना चाहिए। और मैं 15,700 से नीचे तो अभी मार्केट को देख नहीं रहा हूं अगले हफ्ते, और 16,000 तो अपने आप में एक मेजर सपोर्ट है। तो ये जितना समय, मैं आपको एक बात और बता दूं, जितना ज्यादा समय इसी दायरे में अगर मार्केट ने बिताया तो ये फेज यहीं पे सिमट जाएगा, ये फेज यहीं सिमट जाएगा। पर अगले 2-3 महीने में छोटे छोटे अगर पुल बैक आए तो उनमें अगर आपका ट्रेडिंग कोई पोजीशन है या आपने कोई ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से मनी को ब्लॉक किया हुआ है, तो वहां पे अगर 20% की अपेक्षा रखते हैं और आपको 15% मिल जाए, तो दोस्तों महाकाल के आशीर्वाद से 15% लेके घर आ जाइए। क्योंकि आप FII DII तो है नहीं, जिन पे अनलिमिटेड पैसा है उनके पास भी लिमिटेड ही है, वो भी हाथ जोड़ लेते हैं एक बार को। और ये रिटेलर्स की ताकत है कि जिसने मार्केट को इतना गिरने नहीं दिया। ये आप इस बात का सेलिब्रेशन कीजिए, इस बात की खुशियां मनाइए कि रिटेलर की ताकत की वजह से मार्केट यहां टिका हुआ है, नहीं तो मार्केट आपको 12,000 के दर्शन करवाता, आपको पता होना चाहिए। लेकिन एक जागरूकता के कारण मार्केट में रिटेलर्स की अवेयरनेस, रिटेलर्स की नॉलेज, रिटेलर्स की साइकोलॉजी, इसकी वजह से मार्केट थमा हुआ है दोस्तों, इसके अलावा कुछ भी नहीं। म्यूचुअल फंड्स में लगातार स्कैम हो रहे हैं, कोई एक्सिस म्यूचुअल फंड में गड़बड़ चल रही है तो कहीं कैनरा रेबोको में भी खुशबू आ रही है, तो कहीं पराग पारिक में भी पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। कोई कह रहे हैं म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है, कोई कहते हैं बहुत गंदा है, कुछ भी ना अच्छा है ना गंदा है, सब कुछ राइट टाइम टू एंट्री एंड राइट टाइम टू एग्जिट, सिर्फ यही अच्छा है, इसके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं है। इक्विटी मार्केट कौन सा अच्छा है, आए दिन आप देखो कितने दिग्गज शेयर, नौकरी को देखो, नौकरी ऐसा लग रहा है जैसे खुद ही बेरोजगार हो गया हो, इतना गिर गया है। हालांकि मेरे अपने पर्सनल क्लाइंट्स का भी निवेश उसमें है और मैं उसको अभी एग्जिट पोजीशन में नहीं लाया हूं, क्योंकि ये कुछ फेज हैं, इन फेज को, इस दौर को गुजर जाने दीजिए। लेकिन मार्केट आपको मैं बता दूं,
एक आदत डलवाता है। आपकी जब तक आदत डलती है उससे पहले वो अपनी आदत चेंज कर लेता है, अपनी हैबिट को चेंज कर लेता है, फिर कहता है ये दूसरी आदत डालो। जब तक वो दूसरी आदत से तीसरी आदत में आता है आप दूसरी डाल के निपटते हैं, इसलिए आप धोखा खा जाते हैं। तो बहुत जल्दी क्विक हैबिट चेंज करने का प्रयास मार्केट के साथ कीजिए। और मार्केट में कहने को, इस वीडियो में कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैंने बोला ना कि एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से कुछ मैसेज कुछ बात करना चाहता हूं। तो एक जनरल कॉन्सेप्ट था आज का, ये नहीं है कि मैं मार्केट की चाल के ऊपर वीडियो ला रहा हूं, जैसा कि मैं लाता हूं बीच बीच में जब भी मुझे मौका मिलता है। लेकिन फिर भी अगर आप अगले वीक के लिए करें तो आप 15,700 मेजर और 16,700 की एक सपोर्ट, मेजर 15,700 की सपोर्ट एंड बिग सपोर्ट एक 16,000 रख के और ऊपर को 16,800 17,000 रख के रेजिस्टेंस चलें, यही दायरा रहने वाला है। हो सकता है ये एक वीक नहीं दो वीक रहे, और अगर अगले 2 से 3 सप्ताह अगर इसी में सिमट गया मार्केट तो फिर तेजी देखने को, पुल बैक रैली देखने को अवश्य मिलेगी। पर तेजी जो होगी, बार बार बोल रहा हूं, पहले भी अनेक वीडियोस में बोला, तेजी जो होगी, जो रफ्तार पकड़ेगा मार्केट, जैसा आपने पहले देखा, बढ़ा 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 बढ़ते ही जा रहा है स्ट्रॉन्ग हैंड्स में, वो 18,400 से पहले नहीं है। तो 18,400 का एक इंतजार करें और 18,400 को पंचांग में लिख के रखें, स्टॉक मार्केट के पंचांग के लिए 18,400 निफ्टी का लेवल अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। उसके ऊपर मार्केट गया तो निश्चित रूप से लाभ होगा, शनिदेव की महाकाल की कृपा होगी और आप पैसा बनाएंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब तक महाकाल की कृपा ना हो, शनिदेव की कृपा ना हो, पैसा नहीं बनता है। तो पैसा तभी बनेगा, उससे पहले छोटी छोटी रिटर्न लेते रहें और कैपिटल को मोबिलाइज करें, उससे भी बहुत अच्छे अर्निंग्स हमेशा देखने को मिले। और जैसा कि मैं पिछले साल से खूब जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मार्केट में पिछाड़ हो जाएगी, स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएगा मार्केट, मैं समझता हूं उस सब का आभास अब आपको मार्केट में देखने को मिल रहा होगा और आपको दिल से यह आभास हो रहा होगा। तो ऐसा ही होने वाला है, ऐसा होना अनिवार्य था, क्योंकि नहीं तो छोटे छोटे बच्चे भी मार्केट में टिप्स प्रोवाइडर बन गए थे, भाई साहब सेल ले लो, भाई साहब यहां सेल लगी है, भाई साहब वहां सेल लगी है, ये बाय कर लो, कुछ भी जो मन करा वो कर लो, ऐसा नहीं है। मार्केट अपने आप में माई बाप है, तो मार्केट को ध्यान में रख के ट्रेड करें दोस्तों। और जैसे ही ये सेकंड फेज खत्म होगा, आपसे मेरा प्रॉमिस है, खासतौर से अपने सब्सक्राइबर्स जो मेरे मोमेंटम स्टॉक बुक के पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के सब्सक्राइबर हैं, उनसे मेरा पूरा प्रॉमिस है, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं और रडार पर रखें स्टॉक्स, मल्टीबैगर 2 से 3 स्टॉक आप लोगों को जरूर देंगा और चैनल पे भी जरूर आके बोलूंगा। बस उम्मीद यही है कि आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। वैसे तो मुझे कभी रिस्पांस मिलता नहीं है, पर मैं फिर भी कोशिश करता रहता हूं, जनहित में हमें कार्य करते रहना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो सो इसके हिसाब से आप लोग काम करें, मार्केट में अपना ध्यान रखें, अच्छे से ट्रेड करें और साथ में आप लोगों का आशीर्वाद और सपोर्ट बनाए रखें। इसी के साथ जय महाकाल।